गाइस, और अंदर इसीलिए शूट नहीं कर पाए बिकॉज वहाँ पे इतना ज्यादा रस है ना कि आपको 5-10 मिनट में अंदर में खा के निकलना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो लाइन लग जाती है। दैट इज वाई हम लोग ज्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर जितना किया आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत दिनों से मुझे बिहारी ब्रेकफास्ट खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। तो मैं आज जाने वाला हूँ बिहारी ब्रेकफास्ट ट्राई करने के लिए आपको। सो गाइस, लिट्टी चोखा तो नहीं हो पाया, लेकिन अभी हम लोग आगे एक ट्रेडिशनल बंगाली ब्रेकफास्ट ट्राई करने के लिए। और गाइस, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 120 साल पुराना है गाइस। ये था एक देखा था, इसका मतलब लिखा हुआ था 1870 से स्टार्ट हुआ ये। दाल थोड़ा हल्का मीठा लग रहा है, वो तो बंगाली स्टाइल में बहुत ही जरूरी है, मीठा दाल होना ही है। साथ में इन्होंने दो रोटी मिठाई भी दिया, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे रस ज़्यादा बढ़े हो, जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो गाइस 120 साल पुराना रेस्टोरेंट में ट्राई करते हैं। हम लोग को मिल गया भाई, अब 12 बजे बोल रहे भैया कि दाल नहीं मिलता है यहाँ पे, और उसके बाद आलू का सब्जी मिलता है 9 बजे तक मिलता है, पूरी पूरी ऑल मतलब सारा दिन मिलता है। कचौड़ी जो था वो भी अब खत्म होने वाला आधा घंटे के अंदर, उसके बाद आपको लूची मिलेगा, लूची और आलू का सब्जी, वो भी रात को 9 बजे तक। मिठाई मिठाई इनका बहुत अच्छा था यार, तो मिठाई आपको 9 बजे तक मिठाई भी मिलेगा आपको, बट मेन जो इनका आइटम है वो है कचौड़ी और दाल, उसको आगे आप जरूर ट्राई कीजिएगा आप। सो गाइस, यहीं पे हमने आज लंच किया, ये जो है वो 250 साल पुराना है, और खाना भी क्वालिटी भी इनका बहुत ज़्यादा मस्त था। तो देखो अभी फिर से भीड़ जा रही है, पर इन्हें कचौड़ी और वो सब्जी, कचौड़ी और दाल नहीं मिलेगी बिकॉज वो ख़त्म हो चुका है, इन्हें मिलेगी लूची और वो आलू का सब्जी। आलू का जो गाइस लिट्टी चोखा छोड़ के हम लोग आज जो ट्राई किए ना, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था हमारे लिए। और 250 साल पुराना, अब सोच रहे हैं उस रेस्टोरेंट में जाके खाने का बात ही कुछ और। और यहाँ का एक एटिक्वेट भी है कि अगर आप 10 मिनट में नहीं खा के ख़त्म करते तो आपको निकाल देगा ये लोग। इसको ये बात मैंने मंदिर में, मतलब इसको ये बात मैंने ऐसे ही बोला, ये बिलीव कर लिया मेरा बात और जल्दी जल्दी ख़त्म भी कर लिया। तो गाइस कहने का मतलब है कोलकाता जो है ना वो अपने हेरिटेज के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो हमने एक ऐसे जगह पे आज ब्रेकफास्ट और ब्रंच किया जिसे आप कह सकते हो जो कि 250 साल पुराना, मतलब मेरा उम्र अगर 24 साल है तो 250 मतलब 200 गुना, मतलब उस टाइम में वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट भी नहीं हुआ था, देखो स्टार्ट भी नहीं हुआ था, और वहाँ पे जाके हमने खाया तो एक बहुत अच्छा लगता है कि यार इतने साल पुराना ये रेस्टोरेंट है वो अभी भी मतलब जारी रख रहा है अपना सर्विस, और क्वालिटी भी सेम है। और हमको एक बात इन्होंने बोला कि ये आलू का छिलका भी देते हैं जो कि और कहीं नहीं मिले है आपको, आलू के साथ उनका छिलका भी साथ भी सब्जी बनाते हैं, क्योंकि टेस्ट अलग ही है, बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा। गाइस अगर आप प्राइस की बात कर रहे हो तो यहाँ पे एक कचौड़ी का प्राइस है 12 रुपीज, और आप दाल और ये अनलिमिटेड ले सकते हो। हाँ देखिए, अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि मतलब एक एक बाल्टी पी जाओ, मतलब 2 या 3 बार आप मैक्स ले सकते हो, जितना ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। अब ये नहीं आपके प्लेट में कचौड़ी है नहीं और आप दाल पिए जा रहे हो तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे। अरका मैंने ट्राई किया था ऐसा कुछ करने का, बस उसको बोल दिया कि 2 बार ही मिलेगा तेरे को, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। दो बार उसने बोला कि 2 बार मिलेगा, मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा था। और मिठाई तो इनका यार क्या बताओ, कोलकाता का मिठाई और इनका जो मिठाई था ना वो अलग ही टेस्ट का था। तो गाइस कहने का मतलब ये था कि हमने प्लान किया था कि लिट्टी चोखा ट्राई करेंगे, बिहारी ब्रेकफास्ट ट्राई करेंगे, जो कि हमने किया एक्चुअली, बट वो क्या था ना वो मतलब ऐसा था नहीं जो आप लोग प्रेजेंट करते। हाँ, और गाइस हम अपने इस चैनल पर कुछ भी नहीं डालना चाहते बस, तो इसीलिए हमने फिर फिगर आउट किया कि हम कहीं और जाके रिकॉर्डिंग करते हैं। तो उसके बाद हम लोग श्याम बाजार आए, और ये वाला जगह जो अरकमा ने ढूंढा था 250 साल पुराना रेस्टोरेंट में हमने ब्रंच किया, बहुत टेस्टी था, इनका दाल भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो अगर आप यहाँ पे खाना चाहते हो तो श्याम बाजार में मैं लोकेशन GPS का डाल दूंगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था, और अभी हम लोग हेड आउट कर रहे हैं दूसरी जगह पर, उसका ब्लॉग आपको बाद में मिलेगा। तो टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियो, एंड वी आर वेरी क्लोज टू 20K सब्सक्राइबर्स, तो इस वीडियो के बाद हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ ना नहीं हो तो कल हो जाएगा, क्या दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, कोई बात, आप लोग अपना टाइम लीजिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, दिल से कह रहा हूँ यार बहुत बुरा लगता है।